नमस्कार डॉक्टर प्रभा। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर आकर हमारे पास और जानकारी देते रहते हैं कि हमारे घर बैठे पेशेंट्स आए। चलिए, अच्छी बात है जी। एक्चुअली क्या है कि आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज आप किस बीमारी के बारे में और किस चीज से, कौन सी प्राकृतिक ऐसी चीज है जिससे आप इलाज करने का बता रहे हैं हमें, बताइएगा प्लीज। ऐसा है विनोद जी, आलू का तो आप भी नाम सुने हैं। आलू, आलू पोटैटो मीन्स? हाँ, पोटैटो, या इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं जी। सबका प्रिय भोजन है, बच्चे बूढ़े सबका। हाँ हाँ। तो मैं उसके विषय में बताना चाहती हूँ कि उसमें क्या क्या विटामिन होता है और किस किस बीमारियों में वो कार्य करता है। अरे वाह, क्या बात है, सोना इस दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए दर्शकों, अब आपको डॉक्टर प्रभा कुछ बताने वाली है, नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज। हाँ डॉक्टर प्रभा बताइए। आलू की प्रकृति जो है वो शुष्क और गर्म होती है। ओके। गर्म प्रकृति होती है, गर्म करता है, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी और भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं जी। ये विटामिन की बात कहा जी, जी। दोबारा एक बार रिपीट करेंगे आप इसे। आलू की प्रकृति जो है शुष्क यानी गर्म होती है जी, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी और भी काफी मात्रा में पाया जाता है जी। ये मैंने विटामिन की बात की, आलू की, आलू में इतनी तरह की विटामिन पाई जाती जी, 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 जी। अब आपके समक्ष हम बीमारियों की बात करेंगे जी, कि इससे किस तरह से अपने को इलाज किया जा सकता है या स्वस्थ रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत। जैसे सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी, घुटनों में आजकल काफी हमारे पास किस्से जाते हैं जी, कम उम्र में भी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल जी, 60 साल आगे जो भी हो जी, जी, कि शुरू हो गया है दर्द। आजकल के खान पान जानते जी, 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 जी। इतने खराब वातावरण क्लाइमेट हो चुका है जी, कम उम्र में ही घुटनों में दर्द होने लगता है जी। तो मैं उनको ये सब बताती हूँ और इस चैनल के माध्यम से आपको जी, और भी पब्लिक को बताना चाहूंगी जी, कि वो अपना इलाज घर बैठे भी कर सके। अरे वाह, सोना जी बताइए। तो अगर आपके घुटने में दर्द है तो आलू का जूस निकाल लीजिए, कच्चे आलू का, ओके। और जहाँ दर्द है घुटने पे उसको लगाइए। अरे वाह। और उसको आधा घंटा एक घंटा छोड़ दीजिए जी, और फिर अपना बहुत ठंडे पानी से नहीं, ऐसे ही नॉर्मल पानी से आप नहा लें और डेली इसको इस्तेमाल करें। करीब एक महीना तक तो लगातार लगाए ही जी, जी। जब तक भाई हमारे पास तो आप है नहीं जी, जी, मैं और भी आपको चेकअप कर सकूं, तो ये घर में आलू उपलब्ध होता है जी, तो उसको खुद घी से साफ सुथरा करके जूस निकाल के उस पर लेप लगाएं। भाई वाह। और उसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी है? जैसे कि धूप में आप निकलते हैं हाँ जी, और आपका चेहरा झुलस जाता है, सनबर्न हो जाता है, सनबर्न हो जाता है गर्मी के अंदर, बहुत बुरा हाल है आजकल तो। हाँ, ज्यादा ही आते हैं ऐसे केस जी, 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 जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि भाई हम धूप से चले गए, सनबर्न हो गया, कोई अपने प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इलाज करिए या घरेलू कोई चीज बताइए। हाँ जी। तो मैं आलू वगैरह जो आपको इस पे बता रही हूँ मैं उनको बताती हूँ, उनको आराम मिल जाता है। तो इसको जूस निकाल के जी, और आप पूरे चेहरे पर लगाएं, मतलब कच्चे आलू का जूस निकाल के उसको भी फेस पर लगाएं, फेस पर भी लगाएं, हाथ मत कहीं भी अगर झुलस गया हो तो लगाएं, तो उससे सनबर्न में आराम मिलेगा, ठंडक पहुंचेगा और आपका सनबर्न ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा आपको। तीसरी चीज है चेहरे पे दाग धब्बे। अच्छा, पिगमेंटेशन जो हो जाते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे भी हटाता है। हाँ, हाँ, पिगमेंटेशन हो जाते हैं जी, जी। तो इसका जूस निकाल के दाग धब्बे झाइया के ऊपर लगाए। ये मैंने आपको प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते घरेलू इलाज बताई और मैं अपने क्लिनिक में भी देती हूँ इलाज करती। लेकिन हाँ, आप तो पिगमेंटेशन बनाती भी है ना? हाँ, पिगमेंटेशन पैक भी बनाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने याद दिलाया, मेरा रिसर्च है पिगमेंटेशन पैक। जी 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 जी। अगर इसको लगाते हैं, घरेलू इलाज आप करते हैं आलू वाला जो जैसे कि हमने आपको बताया, और उसके बाद धोकर मेरा पिगमेंटेशन पैक लगाते हैं जी, जी 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 जी, मैं दिखाना चाहूंगी जी। हाँ, ये पिगमेंटेशन पैक लगाते हैं आप, ओके, तो और ही जल्दी आपका सब काले धब्बे झाइयां दूर हो जाते हैं। अच्छा, जल्दी ये और अच्छा, ओके, पिगमेंटेशन। तो इस क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा में आप इस पिगमेंटेशन में क्या आलू का भी इस्तेमाल करती हैं? इसमें आलू का तो इस्तेमाल नहीं करते जी, इसको तो जैसे कि आपका है पुदीना है, चंदन है, ओके, ये सब आपका घरेलू ही चीज है, कचूर है, ये सब चीजों को डालकर बनाती हूँ, हैंडमेड प्रोडक्ट है, ओके, ओके, और इसको आपको गुलाब जल में मिला के लगाना है। अरे वाह, सो नाइस। दो या तीन बार दिन भर लगाए, दिन में आलू को भी एक दो बार लगा दे तो और ही हमारा आप साथ देंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो नाइस, तो मुझे खुशी होगी। जी, जी जी जी। उसके अलावा और किस बीमारी में आलू आराम करता है? एक गुर्दों की पथरी। हाँ, पथरी जी 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 जी। तो आलू को खाएं।
अच्छा आलू आलू को तो आलू को उबाल कर खाए, हाँ भरता बना के खाए, तेल मसाला ऐसे भी नुकसान करता है शरीर के लिए, तो इसका भरता बना के एक महीना तक लगातार खाएं। यदि आपको डायबिटीज है जी हाँ, तो मैं कहूंगी कि इसको ना लें। मैं वही कहना चाह रहा था कि डायबिटीज वालों के लिए तो ये हमारे पास तो क्लिनिक में है नहीं कि मैं आपको चेकअप कर रही हूँ, आपको मैं घरेलू इलाज बता रही हूँ प्रकृतिक चिकित्सक होने के नाते। तो इसलिए जरा ध्यान रहे कि अगर आपको डायबिटीज है जी, या गर्म प्रकृति है, बहुत गर्मी लगती है जी हाँ, तो जैसे तो आलू का सेवन ना करें, ना करें और कम करें, कम करें, हाँ, करें, करें। डायबिटीज में तो करें ही ना, पानी पिए, पानी खूब पिए, और खीरा है ना ककड़ी जी हाँ, कुकुम्बर जिसे नहीं जी हाँ, उसका जूस पिए, हाँ उसके उसके पथरी के लिए उसका जूस गला देता है जी जी जी, बहुत बढ़िया, खीरा का जूस पिए। अगर डायबिटीज है तो आलू ना खाए। ओके, उसके अलावा और किस बीमारी में आलू आराम देता है कुछ आप बताइए। आप ये सौंदर्य वर्धक है। अच्छा, सौंदर्य वर्धक हाँ, भी है। अगर स्किन पर दाग धब्बे भी नहीं है, ऐसे भी आप लगाते हैं जी, झुलसा हुआ स्किन नहीं है जिसको okay. सनबर्न पहले हमने बताया जी, 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 जी। तो आप इसको ऐसे भी लगाते हैं तो बहुत चमक और बहुत ही कांति में चेहरा हो जाए। अरे वाह, सो नाइस, बहुत बढ़िया। तो आज आपने बहुत सी जानकारियां दी जिसमें आलू से क्या क्या बीमारी का इलाज होता है और किस तरीके से उसके फायदे हैं और किस तरीके से ज्यादा आलू खाने के नुकसान है, वो भी आपने दर्शकों को बताया। और लास्ट में मैं एक थोड़ा सा बताना जी हाँ, अपने महिलाओं को जिसके छोटे बच्चे हैं जी, तो उनको आलू उबाल कर दें जी, बड़ा ही पौष्टिक होता है जी, और पौष्टिक भोजन है बच्चों के लिए जी, जैसे 8-9 महीने के बाद बॉइल आलू को पेस्ट बनाकर आप उसको खिला सकते हैं। अरे वाह, सो नाइस। अच्छा, ये छोटे शिशुओं के लिए, छोटे शिशुओं ये जो आलू उबाल कर दिया जाए तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है बच्चों के लिए। अच्छा, ऐसे तो बड़ों के लिए भी है, ब्रश वगैरह में लोग लेते हैं जी जी जी, लेकिन बच्चों के लिए उबाल कर, छोटा बच्चा है ना जी जी, और ये घरेलू इलाज है, आप उसको पेस्ट बना के उबाल के उसको खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रभा जी, आज आपने हम 8 महीना होना चाहिए, 6 से 8 महीना। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत चैनल पर आप आकर हमें दर्शकों को और हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं जिससे बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से होता है, घरेलू नुस्खों से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।